हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी एपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे आपके सामने, और प्रीवियस कट ऑफ क्या होगी, क्या गई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यूपीएससी का सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और देन आपको प्रीवियस ईयर एपीएससी के जो पेपर हैं वो कहाँ पर मिलेंगे उसकी लिंक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो लगभग 10-15 दिन पहले बनाया था, कि यूपीएससी एपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसकी अपडेट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ईपीएफओ द्वारा, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए इस बात को, ईपीएफओ द्वारा जो एक रिक्विजिशन है वो मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा और मिनिस्ट्री को भेजने के बाद तब यहाँ से यूपीएससी को भेजा जाएगा, ये इसकी प्रोसेस है। अब क्या है, अब तक कि ईपीएफओ ने मिनिस्ट्री के पास भेज दिया है, ये मैंने आपको आज की तारीख बता रहा हूँ, ईपीएफओ ने मिनिस्ट्री के पास भेज दिया और मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूव कर दिया है, और अब अगले हफ्ते तक हम ये उम्मीद जता सकते हैं कि मिनिस्ट्री उसको यूपीएससी को भेज सकता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, हालांकि इसमें कुछ 4-5 दिन का डिले ज़रूर हो गया है, मुझे उम्मीद कुछ पिछले हफ्ते की थी, लेकिन फाइनली ये चीज़ हो गई है और अब इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है कि मिनिस्ट्री ने उस चीज़ को, जो रिक्विजिशन है उसको अप्रूव कर दिया, उस पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और अब बहुत जल्द आपका, हो सकता है कि 4 दिन लगें, 5 दिन लगें, हो सकता है 10 दिन लग जाएँ, लेकिन इस अगर एक वीक 10-15 दिन के अंदर यूपीएससी को रिक्विजिशन भेज दिया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि इधर उधर अपना दिमाग मत लगाइए, बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये आने वाली है 160 सीट पर, 160 वैकेंसी आएगी आपकी, इससे ज़्यादा नहीं आ रही है, ये आप ध्यान रख लेना, 160 पे आएगी, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था। और इसके साथ में प्रीवियस कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत बड़ी बात थी तो इसलिए मैंने सबसे पहले ही इसको बता दिया, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में इंटरेस्टेड है कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपका नवंबर आएगा ही नहीं, अक्टूबर एंड तक मैक्सिमम आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है। और ये भी ध्यान रख लेना, पेपर आपका बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, मार्च अप्रैल तक आपका पेपर हो जाएगा, इतना बड़ा पेपर है, 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है ये, आईएएस के इक्विवेलेंट, आप ध्यान रख लेना, एक क्लास अफसर की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, प्लीज़ इसके लिए अच्छे से ध्यान दीजिए, एक ही पेपर होता है इसमें और फिर इंटरव्यू होता है, बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इसलिए मैं बार बार इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर, ये लिंक है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का, यूपीएससी नॉलेज ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको पेपर चाहिए तो इस पे ज्वाइन करके मुझसे पेपर मांग लेना, मैं डायरेक्ट आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइज, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ जो गई थी पिछली बार, आप ध्यान से सुनिए बात को कि कितनी गई थी कट ऑफ, ये मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। तो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 160,316 थे, आप चीज़ों को देख सकते हैं, और जो पिछली बार जो वैकेंसी थी 170 के आसपास कराई थी, इस बार 160 आ रही हैं। अब जनरल के अंदर 71 वैकेंसी थी और ओबीसी के अंदर 61 थी, एससी के अंदर 24 थी और एसटी के अंदर 14 थी, ये पिछली बार का है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो पिछली बार कट ऑफ गई थी आपकी वो टेस्ट के लिए गई थी जनरल के अंदर 66.5 पर 100 में से, ये 100 मार्क्स का पेपर था, और ओबीसी के लिए 60.5 पर गई थी, एससी के लिए 56.5 पर थी, एसटी के लिए 54.5 पर थी, ओएच के लिए जिन फिजिकली चैलेंज में 51.5 पर थी, और ओएच में एचएच के लिए 44.5 पर गई थी। ये इंटरव्यू का क्राइटेरिया है, जनरल में आपको 50% इंटरव्यू मार्क्स लेके आने थे, ओबीसी में 45 थे, एससी में 50 थे, ओएससी में 40 थे और एसटी में भी 40 थे, और दिव्यांग की कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था। और जो फाइनल सिलेक्शन था आपका जनरल पे 268.63 पर गया था। अब आप सोचेंगे इतना कैसे हो गया, 100 मार्क्स का जब पेपर हो रहा है, 100 मार्क्स का पेपर है और 100 मार्क्स का इंटरव्यू,
कट ऑफ 268 कैसे हो गई, तो इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम UR को लेते हैं, UR की कट ऑफ गई थी 66.5 पर, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से प्लस इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू के मार्क्स, तो ये बनती है आपकी फाइनल कट ऑफ। तो आप समझ लेना ये फार्मूला है इसका फाइनल सिलेक्शन का। तो क्योंकि ये फार्मूला मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, और ये फार्मूला यहाँ पर इन्होंने दिया भी है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ज़रा ये ऑफिशियली PDF है, यहाँ पर 3 गुना मल्टीप्लाई ये किया हुई है इन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गुना मल्टीप्लाई की हुई एक्चुअल मार्क्स इन रिटर्न प्लस में जो टोटल नंबर ऑफ मार्क इंटरव्यू के अंदर, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये पिछली बार की जो कट ऑफ है गाइज, और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इनिशिएटिव था। और ये सिलेबस, सिलेबस के बारे में आप देख सकते हैं कि सिलेबस के अंदर जनरल इंग्लिश आएगा, करंट इवेंट आएंगे और हिस्ट्री आएगी, इसके बाद पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन आएगा, पॉलिटी आएगी, प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटेंसी और ऑडिट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस और मैथमेटिक्स आएगा एलिमेंट्री, और थोड़ा रीजनिंग आएगी। ये सिलेबस में है आपका। आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो। तो ये मेरा वीडियो था गाइज आपके लिए। आपको इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज।